आज मैं सिखाने वाला हूँ भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए 6 और 18 का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे और 18 को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 36 18। देखिए कितना होगा, आपका कट जाएगा। एचसीएफ आपका क्या होगा, देखिए इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, भाग विधि से निकालना है। यदि देखिए मान लीजिए उस विधि से निकाले तो 2 3 6 3 1 3 2 9 18 3 3 9 3 1 3। तो देखिए इसमें 2 का पेयर बनेगा, क्या बनेगा, 2 का पेयर। तो आपका एचसीएफ 2 3 2 3 यानी 6 होगा। मैंने इस विधि से आपको मैंने बता दिया था। अगले नेक्स्ट वीडियो में नौ आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए इससे हार्ड सवाल है तो एचसीएफ करने का एकदम आसान तरीका। तो देखिए यदि 12 और 20 का हम एचसीएफ निकालें तो क्या होगा, देखिए जब हम 12 का इसमें देखिए भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 उसके बाद 20 में से 12 जाए यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद हम 12 भाग देंगे, देखिए हम 8 यहाँ पे आएगा तो 8 यहाँ उतार लेंगे, उसके 12 को हम यहाँ लेकर जाएंगे। 8 से अब 12 देंगे, देखिए एक ही बार में जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 8 को हम यहाँ ले देंगे, 4 × 8 तो आपका एचसीएफ इसमें 4 होगा, कितना होगा, एचसीएफ। तो भाग विधि से ये आपका एचसीएफ निकालने का एकदम आसान तरीका है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए एक और बताते हैं आप लोगों, देखिए 24 और 44। तो देखिए ये भाग विधि से एचसीएफ यदि 24 और 44 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24 से 44 में भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसके बाद देखिए एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे, देखिए 4 में 4 = 0 और 4 में 2 = 2 यानी 20 होगा। तो देखिए 20 यहाँ पे हो गया तो हम 24 को यहाँ लिख देंगे। देखिए फिर एक बार में जाएगा, देखिए 20 से 24 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। और देखिए यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 4 से अब देखिए 20 को यहाँ लिख देंगे, 4 से 20 में भाग देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, चल देखिए 4 का टेबल पढ़िए कि 20 कितने बार में आ जाएगा, तो 5 बार में आएगा, 4 × 5 = 20। तो आपका देखिए एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ आपका 4 होगा। तो देखिए बच्चों मैं आप लोगों को एचसीएफ एकदम आसानी से सिखाऊंगा, एचसीएफ एकदम आसानी से सिखाऊंगा। तो चलते हैं और दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है मान लीजिए यदि आपको आ जाए देखिए 34 और 64 का एचसीएफ निकालने के लिए 64 का, तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 34 लिख लेंगे, उसके बाद 64 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 64 लिख लेंगे। तो देखिए 34 से जब इसमें भाग देंगे तो मान लीजिए कितने बार में आ जाएगा, 30 30 तो 60 एक ही बार, देखिए एक ही बार में जाएगा। जब एक ही बार में जाएगा देखिए 4 × 4 = 0 और 6 × 6 = 3 यानी 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 34 मान लीजिए 30 यहाँ पे हो गया, 34 को हम यहाँ कर लेंगे तब 30 से 34 में भाग देंगे तो अभी भी एक ही बार में जाएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह कट जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो देखिए 4 का पारा पढ़िए कि 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 × 5 भी देखिए 4 का टेबल पढ़िए तो कितना आएगा, 6 × 4 = 24 6 × 5 = 36 तो यानी देखिए 4 × 8 = 32 होता है, 4 × 7 = 28 होता है, क्या होता है, 4 × 7 = 28 7 × 4 = 28 कितना होता है, 7 × 4 = 28। तो हम क्या करेंगे, 4 × 7 = 28 तो हम क्या करेंगे, 4 × 7 = 28 तो हम 28 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 होगा, ये कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए
दो से चार में भाग नहीं देंगे तो देखिए दो दो ना चार तो कट जाएगा। तो देखिए एचसीएफ करने का एकदम आसान तरीका, यदि आपको न आता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और 44 और देखिए उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 44 और 84 का, 44 और 84 का भाग विधि से कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा होगा कि आप जरूर बताएंगे, आपने सीख लिया होगा। तो चलते हैं, अब कल मिलते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।